हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फसले पंजुम यानी पाँचवा तक मैंने करा दिया था, अब फसले सुषुम की बारी यानी फसले छठा। हम लोगों ने तबतुन नसू जो स्टार्ट किया था, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि इससे आगे लाइए। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जो तबतुन नसू है इसका हमने खुलासा बता दिया था, ताकि आप लोग अगर एग्ज़ाम के लिए याद करना है तो आप जाकर उसे पढ़ लो ना, आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा पार्ट वन के लिए। ठीक है, ये ऑनर्स पार्ट वन के लिए है। तो आइए देखते हैं तबतुन नसू का जो फसले सुषुम है इसमें क्या कह रहे हैं शायर, यानी जो राइटर हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, यानी डिप्टी नज़ीर अहमद जिनका लिखा हुआ है ये नावल, इसमें इन्होंने क्या कहा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नसू ने नमाज असर से फारिग होकर मझले बेटे अलीम को बुलावा भेजा। अलीम फ़ौरन ही मदरसे से आया था, उसने किताबें वगैरह ठिकाने से रखी और थोड़ी ही देर बाद कपड़े तब्दील करके बाप की खदमत में हाजिर हुआ। नसू ने पहले उससे तालीम और इम्तिहान वगैरह के मुतालिक सवाल किया, जिसके जवाब में उसने बताया कि बड़े भाई और उनके दोस्तों के बेहुदा मशागल की वजह से हर वक्त घर में हंगामा रहता है। नतीजा ये होता है कि रात में कतई पढ़ाई नहीं हो पाती है, दिन में अलबत्ता किसी साथी के घर जाकर कुछ मुताला कर लेता है। इसके बाद नसू ने बड़े ही शफीक अंदाज में अलीम से उस सबसे सख्त और सबसे बड़े इम्तिहान के मुतालिक गुफ्तगू शुरू की जो कयामत के दिन लिया जाने वाला है। नसू ने उसे समझाते हुए कहा कि जब तुम इतने अक्लमंद होकर दुनिया के छोटे छोटे इम्तिहानों के लिए महीनों पहले से तैयारी करते हो तो उस सख्त इम्तिहान से क्यों गाफिल रहते हो। नसू के मुख्तलिफ तरह से पूछने पर आखिरकार अलीम ने यह बताया कि उसे उस सख्त इम्तिहान की भी फिक्र है, लेकिन चूंकि वह घर में इस किस्म का माहौल नहीं पाता, इसलिए वह भी इस इम्तिहान के लिए कोई तैयारी नहीं करता। अलीम से तफसीली गुफ्तगू करने पर नसू को ये पता चला कि उसके ख्यालात बड़े नेक और दीनदाराना है, और एक पादरी की दी हुई किताब पढ़कर उसने बड़ा गहरा असर कबूल किया है। तब नसू ने उसे नमाज पढ़ने और खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलने की तलकीन की, जिसे उसने फौरन मान लिया और ये अहद किया कि आज ही से वह गुंजीफाए, शतरंज, कबूतर, कनकौवा, बटेर, मुर्ग वगैरह तमाम बेकार मशगलों को तर्क करके सच्चा दीनदार बनने की कोशिश करेगा। अलीम के इस अहद से नसू बड़ा खुश हुआ। उसने अलीम को दुआ दी और बड़े भाई को अपने पास भेज देने को कहा। अलीम समझ गया कि उनसे भी यही बातें होंगी जो अभी हुई है। वो बड़े भाई की बदज़बानी से वाकिफ था, इसी डर से उसने बाप से कहा कि वह बड़े भाई कलीम से रूबरू गुफ्तगू ना करें, लेकिन नसू तैयार ना हुआ और रूबरू बातचीत करने पर इसरार किया। बाप की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अलीम बड़े भाई को बुलाने चल दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे फसले हफ्तम यानी फसले सात।